प्रिया स्वीट टारगेट में आपका स्वागत है। आज फिर लेकर आए हैं आपका सेकंड पार्ट यूपीटेट का। सेकंड पार्ट जो पिछले डिस्कस किया था सीडीबी के बारे में, जो नेक्स्ट पार्ट यूनिट्स आती है वो आती है आपकी सीखने यानी अधिगम से आती है। अधिगम से आती है यानी अधिगम की बात करेगा तो जो सीखने यानी आपके व्यवहार में परिवर्तन की बात करेगा तो क्या हुआ, जो सीखने सिखाने के मतलब से क्या है अधिगम होता है। किसी भी चीज़ को सीखना वो सिखाना अधिगम से रिलेटेड होता है। ठीक है, अधिगम से होता है यानी आपके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है ये सब क्या है, ये भी एक अधिगम है। तो इसमें दो क्षेत्र होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ज्ञानात्मक क्षेत्र, एक होता है व्यवहारात्मक क्षेत्र। ज्ञानात्मक क्षेत्र की बात करेगा तो इसमें जो आएंगे कोहलर आएंगे। कोहलर ने क्या किया, चिंपैंजी पर प्रयोग किया और इस सिद्धांत को कहते हैं सूझबूझ का सिद्धांत। सूझबूझ का सिद्धांत ये सब किसने दिए हैं, कोहलर ने दिए हैं। अगर बात करें इसमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं तो कोहलर के बाद कोफ्का, कर्ट लेविन, और वर्दीमर। कई बार क्वेश्चन पूछा वर्दीमर क्या है, जनक है। इन सबको बोला जाता है गेस्टाल्टवादी यानी गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, वो वर्दीमर के अंदर अंतर्गत आता है। कोहलर ने फॉर्मूला दिया है गेस्टाल्टवादी के अंदर, यानी कौन सा है, एक तो चिंपैंजी पर प्रयोग कर दिया जिसका नाम था सुल्तान, चिंपैंजी का नाम था सुल्तान और इस सुल्तान पर एक्सपेरिमेंट किया, साथ में क्या दिया सूझबूझ का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। आगे चलते हैं व्यवहारात्मक क्षेत्र की बात करूँ तो इसके अंदर भी चार मनोवैज्ञानिक आते हैं। पहले लिखेंगे थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव और लास्ट में लिखेंगे वाटसन। अगर बात करें इसके जनक की, व्यवहारात्मक के जनक कौन है तो जनक कहलाएंगे वाटसन। थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने काफ़ी सारे सिद्धांत दिए हैं और साथ में दिए हैं सीखने के नियम। ये हर साल क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि सीखने के नियम किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं। कौन कौन से होते हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। यानी तीन दिए हैं सीखने के नियम और पांच दिए हैं गोल नियम। कई बार क्वेश्चन पूछा है पांच दिए हैं गोल नियम, यानी आंशिक क्रिया का, मनोवृत्ति का, सहचार्य का, अभिक्षमता का, ये सब पांच के पांच किसने दिए हैं, पांच गोल नियम किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं। प्रयोग की बात करेगा थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया है। अगर बात करें सिद्धांत की तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का है। एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक की है, बिल्ली पर प्रयोग थॉर्नडाइक का है, संबंधवाद, संयोजनवाद ये सब के सब किसके हैं, थॉर्नडाइक के हैं। और बहुकारक का सिद्धांत भी किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। बात करें स्किनर की तो स्किनर ने चूहे व कबूतर पर किया है यानी सफ़ेद कबूतर पर किया है। कई बार क्वेश्चन पूछा कि क्रिया प्रसूत का नियम किसका है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसका है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसका है, ये भी स्किनर का है। नैमिति का सिद्धांत किसका है, ये भी स्किनर का है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। पावलोव की बात करेगा तो पावलोव ने प्रयोग किस पर किया है, कुत्ते पर है। पावलोव का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसका है, पावलोव का है। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसका है, पावलोव का है। आगे चलेंगे वाटसन, तो वाटसन ने अपने बच्चे और खरगोश के बीच में जो मध्य स्थापित कर रहा था कि दोनों के बीच में घृणा हो जाए, तो खरगोश और अपने पुत्र के ऊपर इन्हें प्रयोग किया है वाटसन ने। अगर बात करें कि कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं अधिगम के अंदर, जैसे बोलने में कठिनाइयाँ होती हैं, देखा भी होगा जो बच्चा बोल नहीं पाता, हकला कर बोलता है, उसको बोलते हैं अफेजिया। जिस बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है उसे बोलते हैं डिसग्राफिया, जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया, जिस बच्चे को गणना करने में कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछा है डिसकैलकुलिया। बात करें
विधि की शिक्षण विधि की बात कर लेते हैं। शिक्षण का समय कई बार लिया जाता है कि WLN शिक्षण की बात करें, सूक्ष्म शिक्षण की बात करें या शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण की बात करें तो इसके जनक कहे जाते हैं ए डब्ल्यू एलन। यानी सबसे पहले किसी चीज़ की योजना होती है, योजना के बाद क्या होता है शिक्षण होता है, शिक्षण के बाद क्या होता है उसकी पुष्टि होती है यानी फीडबैक लिया जाता है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो पुनः योजना बनाई जाएगी, पुनः शिक्षण किया जाएगा, पुनः उसका फीडबैक बनाया जाएगा। अगर भारतीय समय के अनुसार 36 मिनट को क्या बोला जाता है सूक्ष्म शिक्षण की, जो यूनिवर्सिटी है भारतीय यूनिवर्सिटी देहरादून के अंदर है उसके अंतर्गत कितने मिनट माने गए हैं, 36 मिनट को इसको माना गया। यही क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया, तो बताएं कि भारतीय मानक अनुसार कितने मिनट की क्लास होनी चाहिए सूक्ष्म शिक्षण के अंदर, तो 36 मिनट की शिक्षण होनी चाहिए। आगे चलते हैं, देखेंगे समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन पूछेगा, यानी पूछेगा प्रयोगशाला से क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहले प्रयोगशाला किसने बनाई, तो विलियम वुंट ने सबसे पहले 1879 के अंदर विलियम वुंट ने जर्मनी के अंदर स्थापित करी, और 1916 के अंदर भारत में डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता ने भारत में स्थापित की। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन यहीं से पूछा है, तो 1947 में इलाहाबाद में इसकी स्थापना किसने करी, डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव ने उत्तर प्रदेश में प्रथम मनोविज्ञान शाला की शुरुआत की है। ठीक है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस परीक्षा की दृष्टि के अंदर आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।